नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं डिजिटल सो लेट्स स्टाइल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बोट का एक बहुत ही पॉपुलर हेडफोन बोट बेसेड 100। ये जो हेडफोन है इसका कंप्लीट रिव्यू, इसका साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसा है आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ आप में से किसी एक कॉमेंट को सबसे ऊपर टॉप पे पिन, तो एक लाइक के साथ कमेंट भी कर देना। तो बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग किया गया है। नीचे इसका साउंड एस फंक कुछ टैगलाइन वगैरह लिखा गया है। एंड यहाँ पे इसका मॉडल नंबर बेसेड 100 लिखा गया है। एंड पीछे की तरफ कुछ हाईलाइटेड डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे सुपर एक्स्ट्रा बेस, 1 बटन माइक्रोफोन, हैंड्स फ्री पिकअप एंड एंड। एंड पीछे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की वजह से हेडफोन पीछे से दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही है बॉक्स, तो चले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर पे चारों एयर टिप्स दिया गया है। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके है, रबर बेस्ड है। एंड अलग अलग एयर साइज के लिए आप इसको पहन के ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर पे एक यूजर मैनुअल, एक कॉन्टेक्टस कार्ड दिया गया है। बाकी इसके अंदर और कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये है हेडफोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हेडफोन यहाँ पे देखने में बहुत ही अलग सा लुक है, बहुत ही छोटा सा हेडफोन है। पीछे सोनिक डिजाइन दिया गया है जो देखने में एक यूनिक सा लुक देता है। और ये बहुत ही लाइट वेट सा हेडफोन है। एंड इसकी कलर वेरिएंट की बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 9 कलर वेरिएंट देखने को इसका मिल जाएगा, रेड, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, आप नाम ले सभी कलर वेरिएंट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हेडफोन की हाउसिंग की बात करूँ तो छोटा सा हेडफोन है, बहुत ही छोटा सा है। एंड पीछे की तरफ सोनिक डिजाइन किया गया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट बॉडी यहाँ पे प्लास्टिक से बिल्ड किया गया है। एंड जिस जगह पे वायर से ये कनेक्टेड है इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी तरीके है। एंड दोनों साइड में यहाँ पे लेफ्ट राइट का सिंबल दिया गया, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। एंड एक होल दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन एंड साउंड आइसोलेशन का, एक होल यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो आपके साउंड एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर देता है। अब वायर क्वालिटी की बात करूँ तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके है, कंप्लीट रबड़ बेस नहीं है। रबड़ के साथ यहाँ पे कुछ मिक्स किया गया है, बट ओवरऑल जो रबड़ क्वालिटी यहाँ पे दिया गया है बहुत ही अच्छी तरीके। एंड उसके नीचे एक 1 बटन कंट्रोलर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। एंड उसके नीचे बोट का ब्रांडिंग किया गया है। अब कनेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आई शेप सिल्वर कलर के 3.5mm प्लगइन यहाँ पे दिया गया है। एंड इसकी बॉर्डर की बात करूँ, इसका पैडिंग की बात करूँ तो इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी तरीका है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो हेडफोन की हाउसिंग यहाँ पे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है, कोई मेटल वगैरह यहाँ पे यूज नहीं किया है। एंड इसके पीछे कोई फ्लैट तरीका नहीं, एक सोनिक तरीका डिजाइन यहाँ पे किया गया है। यूनिक सा डिजाइन है, बहुत ही स्टाइलिश डिजाइन है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। एंड आजकल का जो हेडफोन आता है उसमें हमें मैग्नेट देखने को मिल जाता है जो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही काम का चीज है। बट ये पे कोई मैग्नेट वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल से एक हेडफोन है। अब इसका जो वायर क्वालिटी है जैसे मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छी तरीके है। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीका है, रबर बेस्ड वायर यहाँ पे दिया गया है। एंड इसका जो कंट्रोलर यहाँ पे दिया गया, इसका स्विच आपको थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज्यादा इजी स्विच ये नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा काम में आपको नहीं आने वाला। कॉल पिकअप, कॉल एंड, म्यूजिक प्ले, म्यूजिक पॉज करने के लिए आपको इसको काम में लगा सकते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीका है, स्टैंडर्ड क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन किया है। अब इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो कंप्लीट बॉडी यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड है, किसी जगह पे मेटल वगैरह यूज नहीं किया गया। इसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो आपको कंफर्टेबिलिटी के मामले में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। आराम से आप इसको 40-50 मिनट पहन के रख सकते हैं। तो ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम यहाँ पे किया गया, थोड़ा सा भी इशू यहाँ पे आपको नहीं आने वाला। अब मैं इसका माइक क्वालिटी आपको टेस्ट करके सुना देती हूँ। यहाँ पे जो माइक दिया गया हेडफोन के अंदर उससे आपको किस तरीके का साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। तो ये जो साउंड क्वालिटी आप सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोट बेसेड 100 ईयरफोन के इंटरनल माइक से, तो आप जज कर सकते हैं किस तरीके का साउंड क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। ऑब्वियसली माइक के साउंड क्वालिटी के नहीं, यहाँ पे हेडफोन के अंदर स्पीकर का जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरीके आपको सुनने को मिलेगा। बेस की बात करूँ तो नॉर्मल बेस आपको ठीक ठाक सुनने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा आपको बेस सुनने को नहीं मिलेगा। प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक बेस यहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा। ट्रिबल स्टैंडर्ड क्वालिटी का दिया गया, एंड वोकल भी आपको क्लियर क्रिस्टल सुनने को मिल जाएगा। तो वर्ल्ड साउंड क्वालिटी बात करूँ तो इस प्राइस रेंज के अंदर ठीक ठाक साउंड आपको सुनने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी का साउंड यहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा। तो जितना पे कर रहे इस हेडफोन के लिए उसके हिसाब से साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है। और मैंने ऐसा भी देखा कि 500-600 रुपीस का जो हेडफोन वगैरह थे उनमें भी हमें इस तरीके का क्वालिटी का साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी को मैं बुरा नहीं बोलूंगा, प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आप क्वेश्चन था क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अच्छी तरीके का डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, कंफर्टेबिलिटी के साथ अच्छे तरीके का साउंड क्वालिटी पे आपको सुनने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो इस वीडियो को दिल खोल के दीजिए एक बड़ा सा लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल SB डिजिटल को। और मैं आपके भाई शायक मिलता हूं नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।